بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, इस वीक का ये मेरा सेकंड लेक्चर है. हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग. इसको कहते हैं कि हमारा चैप्टर है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे. दिस इज़ व्हाट द टॉपिक ऑफ टुडे. लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इस चैप्टर में हम इससे पहले जो बात कर चुके हैं वो तीन हिस्सों में बात की है. एक हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे बात रिसेंटली कंप्लीट कर चुके हैं. इस वक्त हम रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट उससे पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं. यानी अगर आप डिटेल में जाएं तो हमने इंटरप्राइज मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन किया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी, प्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ क्वालिटी पढ़े, प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, फिर प्लांट मेंटेनेंस पे बात हुई, फिर रिसोर्स बेस्ड कंपेटिटिव एनालिसिस हुआ, और कल हमने मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग की, और आज हम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे काम कर रहे हैं. कल का जो हमारा काम था, अगर आप उस पर नज़र दौड़ाते हैं, तो कल हमने मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग यानी MRP 1 पे बात की और MRP 2 पे बात की. मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2, दोनों में फ़र्क बुनियादी तौर पर यह था कि MRP बेसिकली मटीरियल रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग को ज़्यादा फोकस करता है, जबकि MRP प्रोडक्शन से वाबस्ता फाइनेंशियल इश्यूज को भी एड्रेस करता है और फाइनेंशियल इश्यूज की भी प्लानिंग करता है. आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे. लेकिन उससे पहले हम ज़रूर ये बात करना चाहेंगे, जैसे कि बुनियादी कॉन्सेप्ट है द टर्म MRP स्टैंड्स फॉर. तो MRP किसके लिए स्टैंड करता है शाबाश? सैयद उसामा, हाफिज शहाब, रुतबा सगीर और जीत स्टूडेंट्स का कोई आंसर आना चाहे तो. इन स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भेजा है और सुंदस ने भी आंसर भेजा है कि दिस इज एट, इट इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इज अ वेरी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथ. सवाल ये है कि इन गिवन ऑप्शन में से जो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इंटेग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें इंफॉर्मेशन का इंटेग्रेशन कम अज कम हुआ? तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट का आंसर जो है वो मेरे पास आ गया है, जिसमें रुतबा है, हाफिज शहाब है और उनके साथ साथ जो है वो अरूज आसिम है. इन बच्चों के जवाब मुझे आए हैं. मैं अभी बात कर लेता. इंटेग्रेशन का मतलब होता है यानी इस्तेमाल, यहाँ समझ सकते हैं, या जिससे हम मैच कर देते हैं किसी चीज़ को. तो यहाँ पे बच्चों, मैं अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो है ही आपका इम्प्रूव्ड और एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम, लिहाजा इसमें तो इंटेग्रेशन हुआ ही है. मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग अगर आप कहें है, तो सोच की बात यह है कि कल से लेकर अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के कंप्यूटर इसके अंदर काम करता है. हमारा सवाल ये था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इंटेग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. वेब इंटेग्रेटेड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो वेब इंटेग्रेटेड, तो वेब तो है ही सारे का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम से वाबस्ता है, लिहाजा इन तीनों में तो भरपूर एप्लीकेशन हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम का. जिसमें नहीं हुआ वो आम तौर पे मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग है, जिसके अंदर कम हुआ है, इतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर. तो ये है जिसमें लीस्ट इंटेग्रेट किया गया इसको. अगर मैं कहूं कि हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग,
अगर हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर लेते हैं तो इसकी आउटपुट क्या होगी? जी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की आउटपुट क्या होगी? तो काफी हद तक आंसर आ गए मुझे, बिलाल अहमद का आंसर आया है, ठीक है। उसके बाद जो रुतबा का आंसर आया है, और रुतबा का आंसर बड़ा एक्यूरेट आंसर दिया रुतबा सगीर ने मुझे, ठीक है जी। और हाफिज शहाब ने भी बड़ा अच्छा आंसर दिया मुझे, वर्क ऑर्डर। अच्छा जी, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए आप ये कह रहे हैं कि आउटपुट क्या है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की, आप आउटपुट की बात कह रहे हैं। तो बिल्ड ऑफ मटेरियल वो तो प्लानिंग के या एप्लीकेशन के बाद आएगा, बिल तो एप्लीकेशन के बाद आएंगे, ठीक है जी। मास्टर प्रोडक्शन प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, ये भी इसके बाद की बात है। आप स्केड्यूल बनाएंगे या जो भी रूटीन करेंगे, तो रूटीन उसके अलावा है, नॉन इशू है यहाँ पे। मेन मसला जो है इससे जो आपको हासिल होगा वो वर्क ऑर्डर, क्या आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करेंगे तो आपको कम से कम वर्क ऑर्डर्स का अंदाज़ा हो जाएगा। अब जहाँ तक सवाल है, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से और बात करते हैं कि हमारा काम डन हो गया मटेरियल रिक्वायर आपकी सॉरी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग वन, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग टू। अब चलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की तरफ। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में जब आप आएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आएगी वो है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टर्म जो कि यूज़ होती है इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डे टू डे प्रोसेस को मैनेज करती है, और इसके अंदर कोई बिजनेस की एक शाख नहीं, जितनी भी शाखें हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे टैकल किए जाते हैं। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कस्टमर रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये कि बिजनेस ऑल इन ऑल इंटेग्रेटेड विद वन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट्स अ वन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हैज़ बीन इंटेग्रेटेड द होल बिजनेस, जिसने पूरे पूरे कारोबार को किसी एक एंटिटी के साथ लिंक कर दिया है। अब हम कल बात कर रहे थे कि इसका बुनियादी आइडिया क्या है। बुनियादी आइडिया ये है कि अगर एक किस तरह की कार हो सकती है जिसके डैशबोर्ड पे इंसान बैठ के जो है स्पीड का अंदाज़ा लगा सकता है, ड्राइवर जो है स्पीड का अंदाज़ा कर सकता है, आरपीएम का कर सकता है, हीट लेवल का कर सकता है, फ्यूल लेवल का, एयर प्रेशर द टायर, इंडोर आउटडोर टेम्परेचर, और इसी तरह मल्टीपल और एस्पेक्ट्स, और आजकल ट्रैकिंग सिस्टम, तो सारा कुछ अगर एक डैशबोर्ड में आ सकता है तो एक बिजनेस के लिए क्यों एक ऐसा डैशबोर्ड नहीं बनाया जा सकता जिसके ऊपर पूरे पूरे बिजनेस के लेवल और मीटर्स बने हों, वो हमें एट ए टाइम रेट ऑफ रिटर्न बता रहे हो, एट ए टाइम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एट ए टाइम हमें जो है वो पे बैक हमारा बता रहे हो, एट ए टाइम हमारा ब्रांड इमेज बता रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे सामने हो, तो एक एक चीज़ क्वांटिटेटिव शक्ल में या डिफरेंट पैरामीटर्स की शक्ल में हमारे सामने हो। ये बात एक अलग है कि आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे कि पैरामीटर्स में अक्सर चीज़ें एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं होती। आप कहेंगे इसकी एग्जाम्पल ये है कि कार का जो पेट्रोल है वो होता तो लीटर्स में है, क्या ख्याल है, लेकिन जब आप हमारे पास जो लेवल मीटर होता है कि पेट्रोल कितना, वो एक एरो टाइप सुई होती है जो बता रही होती है टैंकी फुल है, हाफ है, कितनी है, लीटर्स नहीं बता रही होती। इसी तरह से जो हमारी स्पीड होती है या आरपीएम होते हैं उसका एक पैरामीटर होता है, तो चीज़ एग्जैक्टली उस तरह नहीं कन्वे हो सकती जैसे कि है, लेकिन बहरहाल आपके सामने कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिससे बिजनेस की कंडीशन का, सूरत हाल का अंदाज़ा किया जा सकता है। इसी मकसद के पेश नज़र इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का आइडिया दिया गया है जो हमारे पूरे बिजनेस की ऑपरेशनल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग तमाम चीज़ों को डील करता है। हाल बताए इसके अंदर दो बड़े ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक सैप का ऑप्शन अवेलेबल है और एक ऑरेकल का ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में एक ही बात है कि नंबर ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल हैं और उस बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट सिचुएशंस के साथ उसको लिंक किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि हर स्पेशलिस्ट अलग-अलग अलग-अलग सीखता है। तो एक बड़ी चीज़ है और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। तो ये है जो हम बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर कि पर्पस ऑफ जो है वो
क्या है इसका टोटल, जिसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग अगर इसको चेंज करके ERP कर दूँ, क्योंकि मैं इसको ERP होना चाहिए। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का पर्पस क्या है? तो देखिए, सबसे पहला पर्पस तो इसका ये है कि एक सेंट्रलाइज इंटेग्रेट प्रोसेस इंफॉर्मेशन हो, जिसके अंदर सारी सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज और इंटेग्रेटेड हो। दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग में काम आ सके, हम इसकी मदद से डिसीजन मेकिंग कर सकें, बाकी मामला को टैकल कर सकें, डिज़ाइन कर सकें और ये सारे इश्यूज़ को हम टैकल कर सकें। अब जहाँ तक आप अगर बात करोगे ERP के हवाले से, तो ERP का मसला ये है कि ये इसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है इंटरप्राइज, एक हिस्सा है रिसोर्सेज का और एक हिस्सा है प्लानिंग का। देखिए, तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। इंटरप्राइज को हम लिंक करते हैं बिजनेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और रिसोर्सेज आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों होते हैं। और तीसरा इशू है हमारा प्लानिंग का। अब देखिए, इंटरप्राइज का ताल्लुक तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने जोड़ दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्सेज के मामले में हम तफसील में जा चुके हैं कि टेंजिबल रिसोर्सेज हैं, इनटेंजिबल रिसोर्सेज हैं। टेंजिबल रिसोर्सेज में हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कैपिटल है जितना भी, और इनटेंजिबल के अंदर हमारा ब्रांड इमेज है, हमारी रिप्यूट है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, यह चीज़ें आ जाती हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है प्लानिंग का, प्लानिंग क्या चीज़ है? देखिए, प्लानिंग ये चीज़ है कि अगर हम अपने जनरल बिजनेस लाइफ में एक गोल सेट करते हैं कि हमने अचीव क्या करना है, गोल यानी मंजिल, और फिर इसको हासिल करने के लिए हमने क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तय किया है, जिसके तहत हम इसको मैनेज करेंगे, तो हम इसको कहते हैं ये हमारा इंटरप्राइज मैनेजमेंट, यानी कि इसको हम कहेंगे ये हमारी प्लानिंग। तो इंटरप्राइज मैनेजमेंट एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो है एक कमर्शियल पर्पस बिजनेस चलाते हैं। रिसोर्सेज हमारे दो तरह के हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। और उसके बाद जो है प्लानिंग का मतलब है हमारे पास एक डिज़ाइन स्केड्यूल प्लान अरेंजमेंट। हम तीनों चीज़ों को अगर अलहदा देखते हैं, तीनों चीज़ों को अलहदा देखते हैं, सबसे पहले देखिए इंटरप्राइज को देखते हैं। तो इंटरप्राइज क्या है? कंपनी ऑर्गेनाइज फॉर कमर्शियल पर्पस बिजनेस। रिसोर्सेज आर यू सी वेल्थ प्रॉपर्टी मनी एसेट्स विच आर कन्वर्टेड, ठीक है जी, एंड सिमिलरली यू सी पर्सनल कैपेबिलिटीज। और प्लानिंग की जब आप करते हैं तो डिज़ाइन स्केड्यूल आर अरेंजमेंट आर सेटिंग गोल एंड सेटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें किस तरह से चीज़ों को अचीव करना है। मैं आपके साथ ही हूँ, बस मैं हाँ, खराब हुआ ये था कि शायद कहीं से स्लाइड हमारी स्विच ओवर होके वो स्लाइडिंग के अंदर मिक्स हो गई है, ये हुआ है। आप वहाँ पे भी देखेंगे तो फिर आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जैसा कि मैंने आप सब दोस्तों से कहा कि इसके अंदर बिजनेस का एक शोबा नहीं, तमाम शोबे एक ही जगह कनेक्ट कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर इंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम के अंदर आप एट ए टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी, आप एट ए टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी डील कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग भी इसका हिस्सा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसका हिस्सा है, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इसका हिस्सा है। तो एट ए टाइम तमाम बिजनेस के हिस्से जो है एक ही सिस्टम के तहत कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ERP इज़ अ क्रॉस फंक्शनल इंटरप्राइज सिस्टम। ये क्रॉस फंक्शनल इंटरप्राइज सिस्टम है ड्रिवन बाय एन इंटीग्रेटेड सूट ऑफ सॉफ्टवेयर। इंटेग्रेटेड सूट ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं बेशक वो अलग अलग डेवलप किए गए हों, लेकिन उन्हें किसी तरह से एक दूसरे के साथ किसी ब्रिज की तरह तहत लिंक कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो, बेशक वो अलग-अलग कंपोनेंट हो।
तो इंटेग्रेटेड सूट होगा ये, तो क्रॉस फंक्शनल इंटरप्राइज सिस्टम ड्रिवन बाय एन इंटेग्रेटेड सूट ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स दैट सपोर्ट्स बेसिक इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ कंपनी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक इंटरनल प्रोसेसेस को लिंक अप करते हैं। तो कहते हैं जी ईआरपी गिव्स अ कंपनी एन इंटेग्रेटेड रियल टाइम व्यू, ये कंपनी को एक रियल टाइम इंटेग्रेटेड व्यू देता है, यानी एक कंबाइंड व्यू, एक जॉइंट व्यू। जैसा कि मैंने पहले कहा था डैशबोर्ड की मिसाल दी थी कि बजाय इसके कि पिक्चर चार जगह अलहदा अलहदा तोड़ के देखी जाए, एक ही जगह पूरे के पूरे बिजनेस की जो भी इस वक्त सिचुएशन है वो एक ही पिक्चर में ड्रॉ हो जाए, तो इंटेग्रेट कर देता है रियल टाइम तमाम कोर बिजनेस ऑपरेशन को, सच एस प्रोसेसेस को, सच एस प्रोडक्शन हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, इसको टाइड अप कर देता है एक ही सिस्टम के अंदर, बजाय इसके अलहदा अलहदा इन्हें हम देखें। उसका एडवांटेज ये है कि हम बहुत ही कम वक्त में काफ़ी सारी चीज़ों को एट ए टाइम देख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके लिए हमें कॉमन डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है और कुछ सॉफ्टवेयर के आपस में लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम ये सारा काम जो है मुमकिन कर सकें। अच्छा, इसमें अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक ही सिस्टम है जो काम करता है, या जिसको मैंने कह दिया ओरेकल हो गया या सैप हो गया, ये तो एडवांस सिस्टम है। बहुत सारे लोकली हमारे यहाँ लोग हैं जो इसके लिए बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट सिस्टम्स जो है उन्हें लिंक अप करके कई ऐसे सिस्टम जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, और प्राइवेटली भी पास लोग जो है इसके अंदर काम करते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिंक करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्पस बिल्ड सिस्टम जो है वो बनाते हैं। जैसे कि आपके ICMAP में बहुत सारे फंक्शंस को मैनेज करने के लिए एक ही सिस्टम यूज़ करने की कोशिश की जाती है, एक तरफ एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है, दूसरी तरफ आपका जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे, इसी तरह वो लेक्चर रिकॉर्ड हो गए किसी पोर्टल पे पड़े हुए, वहाँ से भी देखे जा सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है किसी एक सिस्टम से या एक सॉफ्टवेयर से मैनेज किया जा सकता है, कोशिश भी इसके अंदर की जा रही है। तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं ये ERP है। अब जहाँ तक सवाल है कि अगर इसकी एक जामिया शक्ल देखी जाए कि ये काम हुआ कैसे और किस तरह से, इसके पीछे कोई आसान सा कोई सिंपल सा हम जो है वो सिस्टम बना दें और फिर आपको समझाएं कि ये कैसे काम करता है, तो जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा इसके लिए कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी डायग्राम आपके सामने रखूँ जो सारा प्रेजेंट कर सके। शुक्रिया जी स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कि इस चीज़ को समझने के लिए हम ज़रा तारीख में चले जाते हैं, ज़रा थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं कि पहले ये निज़ाम कंपनीज कैसे मैनेज कर रही थी और आज कैसे कर रही हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देख लेंगे तो फिर काफ़ी चीज़ें हमें और ज़्यादा वाजह और क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर इससे पहले काम कैसे चल रहा था, इससे पहले काम इस तरह से चल रहा था कि देखिए, एक मैं इसको कहता हूँ प्री ERP इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह से थे कि जो होता है ना हमारा जार साइन, इट्स डेटाबेस। आप सब बच्चे जानते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं, पर्टिकुलरली मेड टू पुट द डेटा, यानी इसके अंदर डेटा ही रखते हैं। अगर आप इसको समझना चाहो तो दो तरह से आप अपने जहन में रख सकते हो, एक ये कि जो जार साइन है जहाँ पे आएगा इसके अंदर हम डेटा रखते हैं, दूसरा आप इसको इस तरह देख सकते हो कि जैसे हम घर में कपड़े रखने के लिए कैबिनेट्स बनाते हैं स्पेशल,
तो वो हमारी क्या है, कैबिनेट है जो कपड़े कंटेन करती है, और हम उसके मुताबिक कोई ड्रॉर बड़ा बनाते हैं, कुछ छोटा बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो वो क्या है, वो हमारा सामान रिटेन करते हैं, हमारे कपड़े रिटेन करते हैं। इसी तरह डेटाबेस है, हर बिजनेस का आगे हर डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो अपने लिए एक डेटाबेस बनवाता है। पुराने दौर में ऐसे होता है, जैसे कि एक डेटाबेस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही है, एक डेटाबेस एचआर ह्यूमन रिसोर्स में काम कर रही है, एक डेटाबेस जो है वो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट वो होती है जिसके अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आती जाती हैं, ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन सा ट्रक कहाँ पे है, कौन से रूट पे है, कौन चला रहा है, कितनी देर में पहुँचेंगे, ये हमारा लॉजिस्टिक्स का मामला है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट है, डिफरेंट मशीनों की बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस है। इसी तरह सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऑर्डर लाना और फिर माल पहुँचाना मार्केट में, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी डेटाबेस अलहदा होती थी। और इसी तरह जो ऑपरेशन प्लानिंग है इसकी डेटाबेस बिल्कुल अलग, और मैन्युफैक्चरिंग की अलग, और मटेरियल रिक्वायरमेंट की डेटाबेस अलग, और क्वालिटी मैनेजमेंट की डेटाबेस अलग। अब ये सारी डेटाबेस अलग-अलग बनती थी, अलग-अलग काम करती थी। जब कहीं हमें कहीं ज़रूरत पड़ती थी हम इनको आपस में कनेक्ट कर लेते थे, हम इनको आपस में जोड़ लेते थे, यानी ब्रिजिंग कर लेते थे, हम इनके आपस में ब्रिजिंग कर लेते थे, लिंक कर लेते थे। जैसे डॉटेड लाइन जो है शो कर रही है कि इन्हें हम आपस में लिंक कर लेते थे, लिंक करके ये एक दूसरे से डाटा बारो कर लेती थी या एक दूसरे से इंफॉर्मेशन इतनी पिक कर लेते थे जितने में दूसरे का काम चल जाए। इस तरह हम जो है अपना उस दौर में काम चलाते थे। तो ये इस तरह से हमारी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म होती थी। उसामा मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सैयद उसामा कुछ कह रहे हैं? अच्छा ठीक ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन इस चीज़ को पेश नज़र भी रखना है क्योंकि हमारे पास तमाम स्टूडेंट डिफरेंट शहरों से हैं, तो किसी न किसी शहर में अजान जो है वो होती रहेगी। सिर्फ मैं इसी सूरत में ब्रेक देता हूँ, अगर मेरे रूम के बाहर अजान शुरू हो जाती है तो फिर ज़ाहिर आवाज़ ही इतनी आती कि मेरा लेक्चर रुक जाता है। अच्छा बहरहाल एनीवे, तो आई एम सॉरी, जैसे ही आप आते हैं मैं आपको रिपीट करा दूंगा थोड़ा सा, वरना ये होगा कि हम लाहौर से लेके कराची तक जो नमाज है उसका टाइम आधा घंटा आगे चला जाता, तो फिर कुछ बच्चे कराची से हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबको मैनेज करना मेरे लिए। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था आप सब दोस्तों से कि अलग-अलग डेटाबेस होती थी और हमें इन्हें आपस में ब्रिज करना पड़ता था, हमें इनको आपस में जोड़ना पड़ता था, लिंक करके हम काम चलाते थे। यानी एक साइड से स्पेसिफिक डेटा दूसरी साइड पे ले जाने के लिए या एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे मूव करने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर रूट पार्ट बनाया जाता था जिससे डेटा ब्रिजिंग होके जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि कहाँ एक तेज करने वाली सड़क जिससे आप तेज़ी से मूव कर सकते हैं और कहाँ ब्रिज। तो ब्रिज जो है डेफिनेटली जो भी होता है वो इतना कुशादा नहीं होता, लिहाजा सारा डेटा शेयर नहीं हो सकता था और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज उसके अंदर इन्वॉल्व थे, लिहाजा ये एक मुश्किल पर्पस था, एक मुश्किल काम था, ये पॉसिबल नहीं था जिस तरह हम सोच रहे। तो लेकिन अगर आप देखें फिर भी होता यही था कि जैसे डेटाबेस के डिफरेंट कनेक्शन है तो उन्हें आपस में एक ऑपरेशन है, या मिसाल दी हुई ऑपरेशन की, फाइनेंस की, एचआर की, कि एक डेटाबेस सब यूनिट यहाँ पड़ा है कि यहाँ पड़ा, ज़रूरत पड़ी जोड़ लिया, यहाँ दो आपस में कनेक्टेड थे यहाँ जोड़ लिया, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ कनेक्ट कर लिया। इसी तरह ऑपरेशन का है, ये सारा काम ऑपरेशन में हो रहा है, जहाँ ज़रूरत पड़ी इसके साथ कनेक्ट कर लिया, इस तरह कनेक्शन जोड़ लिए जाते थे। फिर भी अगर देखें तो ऑपरेशन और एचआर में ट्रैक भी लिंक होता था, ये था बिफोर ईआरपी। लेकिन ईआरपी के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ, ईआरपी ने हमें तमाम फंक्शंस को एक कोर एक्टिविटी के तहत एक ही जो है ऑर्गेनाइटिव सोर्स ऑफ डेटाबेस के तहत मैनेज कर लिया, जिससे हमें डेटा डिफरेंट सोर्सेस से ब्रिज नहीं करना पड़ता बल्कि वो पड़ा ही एक जगह हुआ, वो है ही सारा कनेक्टेड, वो सारे का सारा है ही आपस में लिंक।
लिहाजा HRM, फाइनेंस है, ऑपरेशन है, इन तमाम का डाटा जो है समझिए एक ही जगह है, इस एक ही शहर है और एक ही सड़क है, लिहाजा ये जब चाहें आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक वाजिया फ़र्क है दोनों चीज़ों में, एक कंपैरिजन जो कि ERP से पहले की इन्वायरमेंट है और जो आज की इंटरप्राइज रिसोर्स की इन्वायरमेंट है, उसमें एक डोमिनेटिंग और वाजिया फ़र्क मौजूद है। अब इसे अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ERP के एडवांटेजेस हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा काम करने का जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, इंफॉर्मेशन एक्सेस है, क्योंकि हम जब भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो अपडेटेड भी होगी, यानी कंसिस्टेंट होगी। बेशक HR मांग रहा है, प्रोडक्शन मांग रहा है या फाइनेंस मांग रहा है, तो सबके पास एक जैसा डाटा जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डाटाबेस से डाटा एक्सेस हो रहा है, वो एक्यूरेट होगा और वो इम्प्रूव रिपोर्ट्स में होगा, यानी कि ऐसी शक्ल में कि रिपोर्ट हर मोमेंट अप टू डेट होगी। इसके अंदर एक तो ये बात आ गई कि रिलायबिलिटी है, कि जब हम डाटा मांगेंगे हमें किसी किस्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, एट अ वन टच ऑफ बटन इट विल बी विद अस, ये हमारे पास होगा और इसका हमें इत्मीनान है कि ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, उसके जी हाफिज साहब, मैं अभी बताता हूँ आपको। जी हाफिज साहब, ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं DBMS जो है, इसको हम कहते हैं इसको हम जो नाम देते हैं इसको कहते हैं DBMS, एब्रिवेशन है एक IT की टर्म का, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हम कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे। अच्छा, जो कनेक्टिविटी है, चूंकि सॉफ्टवेयर है, तो आप जहन में अगर रखना चाहते हैं कि केबल से कनेक्ट हुई हुई है तो ठीक है, कोई मसला नहीं इसके अंदर, लेकिन बेसिकली डेटाबेस अगर एक ही है तो फिर कनेक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं, वो तो सारा डेटा है ही एक बड़े जार में पड़ा हो, तो चाहे छोटे छोटे जार्स के एक बड़े जार में पड़ा हो। अब इसके अंदर एक चीज और है, अवॉइड डेटा एंड ऑपरेशन रिडंडेंसी। देखिए, अगर डेटाबेस अलग-अलग होगी तो हर डेटाबेस में वही चीज जो है वो एक चीज चार डेटाबेस में लिखी होगी या दो डेटाबेस में लिखी होगी, लेकिन अगर डेटाबेस एक होगी तो हमें तीन या चार जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे एक ही जगह लिख लेंगे वो काफ़ी। इस तरह हमारे पास जो रिडंडेंसी का मतलब होता है एक चीज़ को बार बार लिखना, रिपीटेड, तो रिडंडेंसी नहीं होगी, ये हमें फ़ायदा हो जाएगा कि डेटा रिडंडेंट नहीं होगा। और मॉड्यूल एक्सेस सेम डेटा फ्रॉम द सेंट्रल डेटाबेस, और मॉड्यूल जो है सेंट्रल डेटाबेस से डेटा को आसानी से एक्सेस कर लेंगे और अवॉइड करेंगे मल्टीपल डेटा इनपुट और मल्टीपल डेटा आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ऑपरेशन तमाम चीज़ों को आसानी मैनेज कर देगा। इस तरह आपकी वो जो प्रॉब्लम है कि एक डेटा है और मल्टीपल साइड से पे लिखा हुआ है और मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, नतीजे के तौर पे कई हार्ड डिस्क ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है उसको, और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर इसमें इंटेग्रेशन का रोला भी होगा। इंटेग्रेशन का रोला ये होगा कि एक जगह अपडेट हुआ, दूसरी जगह कल तक करना भूल गए, तो जिस जगह करना भूल जाएंगे वहाँ पे वो डाटा वही रहेगा, तो आपके लिए इसके लिए शदीद प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो अगर हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो इसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो यही है कि इसको रखा ही एक बड़ी जगह, एक बड़ी डेटाबेस में जाए, लेकिन एक ही जगह पड़ा हो, जिसको चाहिए वहाँ से एक्सेस कर लेगा, लिहाजा ये इंटेग्रेटेड भी रहेगा और कंसिस्टेंट भी रहेगा, ठीक है। और बार बार ना लिखने की वजह से स्पेस और कॉस्ट भी बचेगी, यानी हार्डवेयर की स्पेस जो है वो भी बचेगी और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ेगी।
इसके साथ एक फायदा और भी आएगा कि जब हम डेटा मांगेंगे तो डेटा मांगने से लेकर डेटा रिक्वायर्ड पर्सन तक पहुंचने के टाइम को हम कहते हैं रिट्रीव करना। रिट्रीव करना, रिट्रीव करने का मतलब जो डेटा मैंने लिखा था वो डेटा मैं मांग रहा हूँ तो मैं डेटे को रिट्रीव कर रहा हूँ। तो रिट्रीव करने में एक वक्त लगता है, यानी डेटा जब वापस मिलता है कहीं किसी हार्ड डिस्क पे लिखा हुआ है हम उसको वापस मांग लेते हैं तो डेटा वापस मिलने में एक वक्त लगता है, एक टाइम लगता है। यहाँ पे ये होगा कि जब डेटा आप डिमांड करेंगे तो आपका जो रिट्रीवल टाइम है वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी डेटा आप तक पहुँचने में जो वक्त लगता है वो पहले से कम लगेगा। उसकी वजह ये कि पहले डेटा जो था वो मल्टीपल जगह पर पड़ा हुआ था, अगर एक जगह से नहीं मिलता तो दूसरी जगह से ढूंढने जाते हैं आप, यहाँ डेटा है ही एक जगह पर, लिहाजा आपको रिट्रीवल में टाइम कम लगेगा। जब रिट्रीवल में टाइम कम लगेगा तो अल्टीमेटली रिपोर्टिंग भी फास्ट हो जाएगी, तो रिपोर्टिंग डिलेज भी कम हो जाएंगे, और अल्टीमेटली अगर रिपोर्टिंग डिलेज कम हो जाते हैं तो फिर डिसीजन यानी फैसला साजी में डिले क्यों होगा, फैसला साजी भी आपकी जो है वो टाइमली हो जाएगी और क्विक हो जाएगी चूँकि आपको रिपोर्ट्स टाइम पर मिल रही। तो डिलीवरी एंड साइकिल टाइम रिडक्शन हो जाएगा आपका। दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अगर एक डेटा को कई जगह लिखना है तो फिर बहुत सारी हार्ड डिस्क चाहिए, बहुत सारा हार्डवेयर चाहिए, लेकिन अगर एक ही जगह लिखना है तो बेशक एक बड़ी हार्ड डिस्क आ जाएगी, एक बड़ा जो है स्टोरेज डिवाइस आ जाएगी, लेकिन जगह जगह छोटी छोटी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, इस तरह कॉस्ट की रिडक्शन हो जाएगी। कॉस्ट रिडक्शन इस वजह से भी होगी कि आपका टाइम सेव होगा, वर्कर का टाइम सेव होगा, तो अल्टीमेटली किसी और प्रोडक्टिव काम पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। इस तरह आपकी पूरी इंटरप्राइज पे जो कंट्रोल है आपके वो पहले से बेहतर होंगे, और कंट्रोल बेहतर होंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग भी और बेहतर होती चली जाएगी। फिर इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि बास चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम छोटे थे जब तो मोबाइल कोई ख़रीदता था तो वो मोबाइल चलाना ना सिर्फ एक काम था मुश्किल भी था, क्योंकि उस ज़माने में बेशक मोबाइल में फंक्शन बहुत थोड़े थे लेकिन सॉफ्टवेयर भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे उसके। लेकिन जब आपने देखा कि एंड्रॉयड आया तो एंड्रॉयड ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया और बहुत ज़्यादा सेल्फ लर्निंग बेस्ड था, यानी आप खुद ही लर्न कर सकते थे, तो वहाँ पे एडेप्टेबिलिटी बहुत क्विक हुई, यानी बिजनेस प्रोसेस में जब चेंजेस आती हैं तो आप जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, यानी चेंजेस को आप जल्दी बिल्डअप कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र फ्रेंडली भी है, उसको ऑपरेट करना भी आसान है और उसके ऊपर बैठ के बिजनेस के किसी प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना भी आसान है, यानी इसकी यूजबिलिटी आसान है। तो जब यूजबिलिटी आसान हो जाती है तो फिर एग्जीक्यूटिव्स आसानी से उसे इस्तेमाल करते हुए निज़ाम को बेहतर से बेहतर कर देते हैं। इसका डिज़ाइन चूँकि स्ट्रक्चर्ड है और मॉड्यूलर है, यानी ऐसा नहीं ना जैसे कि आप जो समझ लीजिए मॉड्यूलर से मुराद ये ले सकते हैं कि मैं पूरे घर को एक यूनिट बनाने की बजाय घर को छोटे छोटे कंपोनेंट में बनाऊं, रूम्स की शक्ल में बनाऊं, तो घर के अंदर मूव करना जाना आसान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है वो सिस्टम है वो
अच्छा बच्चों, तो हम बात ये कह रहे थे कि सॉरी मैं मोबाइल बंद करना भूल गया था। मैंने कहा इसको ऑफ ही कर देता हूँ ताकि आपका टाइम का खर्च ना हो। तो हम ये बात कह रहे थे बच्चों के इसमें ये है कि जैसे आप जो समझो कि अगर मुझे एक बिल्डिंग पूरी एक यकलख्त बनानी हो तो मुश्किल होगी ना, लेकिन अगर मैं उसको छोटे छोटे स्केल्स में बनाऊँ, मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊँ, तो उसकी स्केलेबिलिटी की वजह से क्या होगा कि वो चीज़ जो है वो बनानी आसान हो जाएगी। और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इन छोटे छोटे मॉड्यूल में बना के तो फिर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो अडाप्ट की जाती है, इसलिए इसकी जो मेंटेनेंस है वो आसान होती है। तो आप कहेंगे सर वो कैसे, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ वेंडर एक तो सपोर्ट हमें देता है, हमारा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टम को प्रोक्योर करना आसान होता है, तो वेंडर जो है वो उसको साथ साथ हमें ये जो सहूलतें प्रोवाइड करता है। फिर इसका ग्लोबल आउटरीच भी है, यानी ये ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया भर में ये इस्तेमाल होती है। और ये इसके अंदर एक्सटेंडेड मॉड्यूल है आजकल के दौर में, जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों जो है वो बड़े इम्प्रूव फंक्शन है। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक कलेबरेटिव कल्चर देती है, यानी अलहदा अलहदा छोटे छोटे टुकड़ों में की बजाय पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह से मैनेज किया जा सकता है, एक ही कल्चर के तहत मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक इंटेग्रेटेड कल्चर देती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा एडवांस ईआरपी है। तो यहाँ तक पहले तो बात यह है कि आप मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको ये बात समझ आ गई है। जी हाफिज़ साहब, बहुत आसान सी चीज़ है कि इसका जो सिस्टम है, चूँकि आपकी चॉइस के मुताबिक बनाया जाता है, जहाँ आप कहते हैं स्टेयरिंग लगा दो वहाँ स्टेयरिंग लगा देते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हमें कंट्रोल बटन चाहिए वहाँ पे वो लगा देते हैं। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी हमें दे देता है, इस चीज़ को अडॉप्ट करना बड़ा आसान है। तो उसमें अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप चाहें कोई रिस्ट्रक्चर कर लें किसी सिस्टम को, नए सिरे से डिज़ाइन करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं। जी अब क्लियर है आपके साथ? तो देखिए जो इजी अडॉप्टेबिलिटी की मैंने बात की वो तो ये है ना कि आप कोई भी प्रोसेस है आपके पास आसानी है, आप एक स्क्रीन पे बैठ कर उसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप चेंज ला सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कही कि यहाँ पे एक मॉड्यूलर अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, यानी मॉड्यूल टू मॉड्यूल अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। सॉरी एक मॉड्यूल, जी सामने को, जी शुक्र अलका, ऐसे बस क्लास पढ़ा रहा हूँ ICMAP में, थोड़ी देर में कॉल बैक करूँगा, 8:30 क्लास खत्म होती फिर करता हूँ। ठीक और कर ला। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था कि एक तो इसके अंदर जो है स्केलेबिलिटी का मतलब ये था कि मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये एक डब्बा सा नहीं बना दिया गया, एक ही वक्त में एक हॉल नहीं बना दिया, बल्कि इसे टुकड़ों में बनाया गया, छोटे छोटे कंपोनेंट में, और उन कंपोनेंट को जोड़ दिया गया। आप यूँ समझो कि अगर मैं एक टेलीविजन डिज़ाइन करता हूँ, उसमें वीडियो सिस्टम अलग बनाता हूँ, ऑडियो सिस्टम अलग बनाता हूँ, अगर वो ख़राब हो जाए तो मेरे लिए उसे मैनेज करना आसान नहीं है। आप मुझे आ कहते हैं जी इसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे पता है यार कौन से मॉड्यूल में ख़राबी है आवाज़ वाले में। आप कहते हैं इसकी पिक्चर नहीं आ रही, तो मुझे पता है यार इसके पिक्चर जो है ना उसके अंदर मसला होगा पिक्चर वाले सिस्टम में। तो इस तरह मॉड्यूलर अप्रोच में हम इनको अलग अलग कर देते हैं, जिससे ये होता है कि हमारे लिए इसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। इसी मेंटेनेंस का मुआहदा चूँकि उन लोगों के साथ क्या होता है, अगर सैप यूज़ कर रहे हो या ओरेकल यूज़ कर रहे हो, तो जिस भी वेंडर ने आपको ये बना के दिया है वो इसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार होता है। उसके साथ हम मुआहदा करते हैं कि ये आप टाइम टू टाइम हमें इसको मेंटेन करके देंगे और इससे आने वाले प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके देंगे। जैसे कि आपसे मैं एक गाड़ी खरीदूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि हर 6 माह बाद आप आएंगे और मेरी गाड़ी को देखेंगे, उसके जितने फॉल्ट हैं वो आप रिमूव करेंगे, तो ये मेंटेनेंस का आपके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अब जो CRM है इसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको भी ये मैनेज करता है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा। क्यों बच्चों?
नहीं, आसान मसला ये होता है कि जो इसके अंदर जो यही तो मामला है कि रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज है। यही वजह है कि लोग ईआरपी की तरफ मूव कर रहे हैं, चूंकि इसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बड़ा एडवांस है। हम तो आमतौर पर उसको कहते हैं फायर वॉल्स, वहाँ से कोई आम एक्सेस इतनी ईजी नहीं है। अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर जो इसके ड्रॉबैक है वो क्या है? देखिए, इसके ड्रॉबैक भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। मिसाल के तौर पे इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग ये है कि चलाने में तो बड़ी तेज़ है, टाइम सेव करती है, लेकिन बनाने में बड़ा मसला है। बनाने में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, इसके ऊपर जनरल कॉन्सेंसस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि एक कंपनी है, उसका नाम है ट्रीट। तो ट्रीट कंपनी के जो CFO हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि क्यों बिजी से इतने। तो उन्होंने कहा यार, ERP का सिस्टम बन रहा था तो उसके अंदर हम बहुत बिजी थे। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कितना टाइम लगा इसके बनने में? कहते 3 साल लग गए। तो मैंने कहा 3 साल में काम कैसे हुआ? तो पता चला कि 2.5 साल जो है, यानी 2.5 ईयर्स, सिर्फ कंपनी का एनालिसिस होता रहा, कंपनी के सिस्टम्स जो हैं उनको समझा गया कि वो कैसे चल रहे हैं, और 6 माह में उसकी जो है सारी डेवलपमेंट हुई। यानी सिस्टम एनालिस्ट जो है वो 2.5 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन में आते रहे और बैठे रहे और उसके निज़ाम को समझते रहे। जब उसका निज़ाम उन्हें समझ आ गया, 2.5 साल में पूरा सिस्टम एनालिसिस हो गया, तो फिर उसके पूरे निज़ाम को उन्होंने कंप्यूटराइज, यानी डेवलपमेंट का वक्त या उसको बनाने का जो कोडिंग का वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ 6 माह बना दिया। इसलिए खासा टाइम कंज्यूमिंग है, चूँकि आपको जो है वो काफ़ी देर तक निज़ाम को समझना पड़ता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। फिर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव मतलब ये है कि आप इसका जो बुनियादी सॉफ्टवेयर है वही दो मैंने बताए, एक तो आपको सैप बताया मैंने, एक आपको मैंने ओरेकल बताया, तो काफ़ी महंगा है। यानी जिस जिस सॉफ्टवेयर में हमने इसे डेवलप करना है उसका जो मदर सॉफ्टवेयर है वो खासा महंगा है, इसलिए जाहिर बात है एक्सपेंसिव है। अब कन्फॉर्मिटी ऑफ द मॉड्यूल के आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट सिलेक्टेड सिस्टम शुड कन्फर्म द बिजनेस प्रोसेस कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक मसला ये है कि आप एक प्रोसेस को या आप एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, तो यकीनी तौर पे आपका एक अपना प्रोसेस है जिसके तहत आप एंट्रीज करते हैं, लेकिन जब ये कंप्यूटराइज आर्किटेक्चर में जाते हैं तो आम तौर पे होता है कि डिफरेंट सिस्टम को या डिफरेंट तरीक़ेकार को फॉलो किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप जब बुक कीपिंग करते हैं तो क्या करते हैं? आप कैश बुक अलहदा रखते हैं, सेल बुक अलहदा रखते हैं, परचेज बुक अलहदा रखते हैं, ठीक है जी। फिर उन सबको एक जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। जब वो जर्नल में चली जाती हैं तो फिर वहाँ से आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं। लेकिन जो आपका कंप्यूटराइज निज़ाम है वो तो कोई लेजर नहीं बनाता, उसके अंदर तो लेजर है ही नहीं। यानी देखिए, आप बुक से लेजर में जाते हैं, लेजर से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम में जाते हैं तो वो कोई लेजर लूजर नहीं बनाता, वो डायरेक्ट जाके काम शुरू कर देता है। लिहाजा आर्किटेक्चरल जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बाज़ बात आपके मैनुअल प्रोसेस से वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से ट्रीटमेंट करता है। अब यहाँ तक अगर क्लियर है पहले 3 पॉइंट, तो फिर आगे चलते हैं। लास्ट 3 पॉइंट्स में ज़्यादा कर गया था, अगर ये 3 पॉइंट क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। फर्स्टली, ठीक हो गया, आप सब कह रहे हैं कि क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। वेंडर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस वेंडर से आपने ये लिया है वो और अल्टीमेटली वो सिंगल वेंडर भी हो सकता है। अगर आप मल्टी वेंडर ले लेंगे तो भी हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर जो उसके दो डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं। अभी हम पिछले दिनों एक कंसल्टेंसी दे रहे थे एक फॉर्म को जो LMS बना रही थी, तो उसके अंदर जो बेसिक डेटाबेस है वो और जगह से बनी थी और उसकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट जगह से बनी थी। फिर उन दोनों को हमें लिंक अप करना था,
तो बहरहाल ये इतना आसान काम नहीं होता। उसके अंदर ये होता है कि हम काफ़ी हद तक वेंडर डिपेंडेंट होते हैं, कि जब भी हमें काम पड़ता है बहुत हद तक वेंडर से सपोर्ट लेना हमें पड़ती है और उसकी हेल्प से हम उसे रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि एक बंदे का लिखा हुआ कोड ज़्यादातर वही आसानी से समझ सकता है, या जो सप्लायर है वो ज़्यादा अच्छा समझ सकता है, चूँकि उसका बेसिकली बंद ही होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसको सिस्टम की हर मिक्स का पता होता है कि मैंने इसके अंदर क्या काम किया हुआ है, कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है। लेकिन अगर हम दूसरे वेंडर को बुलाते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो फिर काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसको नए सिरे से आर्किटेक्चर देखना पड़ता है, डिज़ाइन देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपके घर की मिसाल दूँ कि आपका वो इलेक्ट्रिशियन जिसने आपके घर की वायरिंग की है, अगर उसे आप कोई फॉल्ट बताएंगे तो वो वहाँ बैठा बैठा ही किसी टेक्नीशियन को बताएगा कि यार फलां जगह ये चीज़ लगी है वो ठीक है। लेकिन अगर वायरिंग किसी और ने की है और मेंटेनेंस कोई और कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगी, वो बहुत सारी चीज़ें काट काट के फेंक के दूसरी लगानी शुरू कर देगा, चूँकि वो शायद इस सिस्टम को इतना अच्छा समझ नहीं सकेगा। तो ये भी एक चीज़ होती है कि वेंडर पे डिपेंडेंसी काफ़ी इसमें ज़्यादा होती है। तो ये तो उस वायरिंग से या उस निज़ाम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ है, लिहाजा डेफिनेटली इसके अंदर उसके अंदर बड़ा फ़र्क होगा। अब जहाँ तक सवाल है फीचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी का, ERP सिस्टम में टू बी कंटेनिंग मैनी फीचर्स, आप बहुत सारे फीचर्स इसमें मांगते हैं, और जब आप फीचर्स बहुत ज़्यादा मांगेंगे, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस मांगेंगे, तो अल्टीमेटली इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी ये ऐसे ही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो हैं वो देखें अपने घर के किसी स्विच बोर्ड को, तो उसके अंदर तो दो ही तारें आ रही, लेकिन अगर आप जाके देखें अपने मेन स्विच बोर्ड को, तो उसके अंदर इतनी सारी तारें होती हैं, हम उसको छेड़ते भी नहीं, हम कहते हैं भाई ये तो कोई एक्सपर्ट ही इसको देखेगा आके, तो क्या होता है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। इसी तरह अगर एक छोटा सा काम है, वेबसाइट है, सिंपल है, लेकिन अगर सेल्स का भी है, मार्केटिंग का भी है, अकाउंटिंग का भी है, फाइनेंस का भी है, प्रोडक्शन का भी है, वो सारे काम एक ही जगह ला के रख दोगे, तो अल्टीमेटली कोई सिंपल काम तो नहीं होगा, फिर ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क है अपनी जगह। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल आउटरीच। चूंकि ये सारा निज़ाम जो है उसके अंदर एक बात ये है कि हम बहुत सारा जो है हेल्प लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम इंटरनेशनल स्केलेबिलिटी और ग्लोबल आउटरीच के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी हमारा डाटा बहुत सारा क्लाउड पे पड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो अपने हार्ड डिस्क के बजाय हम क्लाउड पे भेज देते हैं। इस तरह हम वेंडर देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी पड़ती है टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टू कंसीडर इंटरनेट इनेबल सिस्टम, ताकि एक इंटरनेट इनेबल सिस्टम हम बना सकें। तो हमें इसके लिए काफ़ी अच्छी और बड़ी कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि इस सारे अमल में काफ़ी सारी मुश्किल आती हैं, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिनको हमें डील करना पड़ता है। फिर आगे आते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिडलवेयर आ जाते हैं, मिडलवेयर का मतलब है अजाफी और एक्सटेंडेड मॉड्यूल आ जाते हैं, जो वक्तन फौक्तन आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती रहती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, और ऑब्वियसली मेंटेनेंस और एक्सटेंशन दोनों के ऊपर हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ती है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो देखते हैं अब आप सब बच्चों को कितनी समझ आई है, तो आप में से सब बच्चे अब बताएंगे कि यहाँ तक क्या जी, कहाँ तक आपने समझा। हमजा कह रहे हैं कि थर्ड जो है दोबारा बता दें, थर्ड ये है कि हमें ये कन्फॉर्मिटी करनी पड़ेगी कि जो काम हम कागज़ से करते थे या जो काम हम मैन्युअली करते थे, क्या कंप्यूटर जो है वो उस काम को सही तरह सर अंजाम दे रहा है। और क्योंकि कंप्यूटर ने हमारा तरीका अडॉप्ट नहीं करना जो पेन और पेंसिल से हम करते हैं, कंप्यूटर ने तो अपने तरीके से फार्मूला लगाना है और हमें उसका जवाब दे देना है। लिहाजा आप ये कह लीजिए कि जो है इसके अंदर जो है वो जितना भी काम है वो मैनुअल तरीके को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि आम तौर पे आप कैश बुक सेल्स बुक को जाके एक जर्नल में एंटर करते हैं, बुक जर्नल में एंटर है, कंप्यूटर जर्नल में एंटर नहीं करता, कंप्यूटर डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देता है, उसके यहाँ कोई जर्नल।
तो ये फर्क है। तो होप के यहाँ तक आप क्लियर हुआ होगा। कोई और सवाल हो आप बच्चों का? जी रुपा कह रहे हैं कि फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं दोबारा, कि एक ही वक्त में सेल्स भी है, सेल्स का सिस्टम भी बना हुआ है जी, फिर अकाउंट्स का भी है, फिर उसके साथ एचआर का भी है। तो जब इतने सारे सिस्टम आ जाते हैं तो फीचर्स में कई कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाती हैं, यानी बड़ा होने की वजह से बहुत सारे निजामात एक जगह इकट्ठे होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है? जी बच्चों, तो अब तमाम बच्चे मुझे कह रहे हैं कि ये हमें क्लियर है। जी वेंडर डिपेंडेंसी ये है कि जिस वेंडर से हम इसको बनवाते हैं, अगर इसमें कोई रिपेयर का वर्क निकल आए या इसके अंदर कोई चेंज कराना हो तो हमें उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ता है, तो जिसने बनाया है वही हमें बेहतर करके देगा, मेंटेन करके देगा। तो क्लियर हो गया आई। अब देखिए यहाँ तक जो कल मैंने थोड़ी सी बात की थी, तो कल कुछ बच्चे सवालात कर रहे थे कि किस किस तरह से ईआरपी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो चली है। तो इसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से है कि इस तरह से है कि देखिए 1960s में इन्वेंट्री के हवाले से कंट्रोल पैकेज यानी छोटे सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए थे, लेकिन 70 की दहाई में अमेरिकन जो इंडस्ट्री है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद आगे आए तो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग शुरू हो गई थी, तकरीबन कोई 1980s में इसका दौर शुरू हो गया था। उसके बाद 90s के अंदर आए थे तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का ज़माना शुरू हो गया था, और फिर अगले 10 साल 2000 के बाद एक्सटेंडेड ईआरपी आना शुरू हो गया था, जिसके अंदर जो फीचर रह गए थे वो भी ऐड हो गए, तो पूरे का पूरा बिजनेस जो है वो एक ही कंप्यूटराइज सिस्टम से चलना शुरू हो गया, यानी कारोबारी दुनिया जो है एक ही निज़ाम के तहत चलना शुरू हो गई। अब आज का जो ईआरपी है वो बहुत ज़्यादा क्लाउड बेस्ड है, एक ही जगह से जो है एक तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑर्डर आ रहे हैं, वो ऑर्डर जो है वो आपके एक सिस्टम को जा रहे हैं, वो ऑर्डर स्टेटस देख रहा है, इनवॉइसेस क्रिएट कर रहा है और शिपमेंट ऑर्डर दे रहा है। उसके साथ साथ जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं वो साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग को भी एक्टिवेट करता जा रहा है कि आपने मैन्युफैक्चर करना है, किस टाइम पे कितना, और साथ वो जितने भी ऑर्डर को ट्रीट कर रहा है, जितने भी ऑर्डर को वो ट्रीट कर रहा है वो उसके साथ साथ जो है वो जितने ऑर्डर को ट्रीट कर रहा है साथ ही साथ वो स्टॉक को भी देखता जा रहा है कि स्टॉक में ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है, यानी इन्वेंट्री को भी मैनेज करता जा रहा है। तो डिफरेंट डिवाइसेस से लोग जो हैं वो ऑर्डर भेज रहे हैं, स्टेटस चेक कर रहे हैं, इन्वॉइसेस चेक कर रहे हैं, शिपमेंट्स चेक कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ के साथ सारा चेक हो जाता है। जैसे आज के दौर में अगर आप देखें, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पिछले दिनों एक पैकेट भेजा अमेरिका, अमेरिका एक पैकेट भेजा, तो मेरे पास एक ट्रैकिंग सिस्टम था जिसके तहत मैं देख लेता था कि इस वक्त मेरा पैकेट किस मुल्क में पहुंचा है और कहाँ तक है। इवन लास्ट डे मैंने देखा तो उन्होंने वो सिग्नेचर्ड कॉपी भी दिखा दी कि जनाब ये न्यूयॉर्क में डिलीवर हो गया और इस बंदे ने इसे रिसीव कर लिया। इसी तरह यहाँ पे एक ही निज़ाम के तहत कस्टमर्स जो है वो ऑर्डर भेज रहे हैं, सिस्टम उन ऑर्डर्स को ऑपरेट कर रहा है, साथ ही साथ इनवॉइसेस क्रिएट कर रहा है और स्टॉक और इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है और वहाँ से शिपमेंट करवाता जा रहा है, और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर देता जा रहा है और उस हवाले से जितने वर्कर्स की ज़रूरत है उसे भी मैनेज करता जा रहा है। तो ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो एक ही तरीके से चल रहा है। अच्छा, फिर उसके अंदर ये है कि दोनों चीज़ें मैनेज हो रही हैं एट टाइम, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी काम कर रहा है, ठीक है जी, और साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप भी मैनेज कर रहा है। कैसे? कस्टमर का ऑर्डर खुद रिसीव कर रहा है निज़ाम वेबसाइट के ज़रिए, कस्टमर का ऑर्डर रिसीव कर रहा है, वो जितनी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, स्टॉक में से ऑर्डर पूरे कर रहा है, और दूसरी तरफ सप्लायर को साथ ही साथ मैनेज कर रहा है कि ये चीज़ें शॉर्ट हैं फौरी तौर पे भेजते जाओ, वहाँ से चीज़ें लेते जा रहे हैं, आगे मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ें प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा मजबूत निज़ाम जो है वो एक ही जगह से सारे का सारा
चल रहा है। तो ये है हमारा ईआरपी जिसकी हम बात कर रहे थे। होप कि ये जो डायग्राम मैंने छोटी सी बनाई है इससे आपको काफ़ी, ये फिगर जो पिक्चर छोटी सी बनाई है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा मामला। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे रुकेंगे। जी हाफिज साहब, रुतबा सैयद उसामा। हमजा ठीक है, तमाम बच्चे मुझे फीडबैक देंगे और तमाम फीडबैक जो आ रहे हैं वो मुझे क्लियर के आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्लियर है, हमने पहले पढ़ा भी हुआ थोड़ा सा। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है आज के हवाले से इतना काम काफ़ी है, लेकिन जाने से पहले कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे करते हैं। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन ईआरपी सिस्टम, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ईआरपी को एग्जैक्ट डिस्क्राइब कर रही है। जी हमजा ने डी ऑप्शन पिक किया है, ठीक है। उसामा का जवाब भी आ गया मेरे पास, सादिया हबीब का जवाब आया मेरे पास, रुतबा का जवाब आया, हसान का जवाब आया, ठीक है जी। बाकी बच्चों का भी मैं वेट कर रहा हूँ। जी बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करता है, ठीक बात है। ईआरपी सिस्टम इनेबल पीपल इन डिफरेंट बिजनेस एरियाज टू कम्युनिकेट, या डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस के जो लोग हैं उनको आपस में बातचीत का मौका देता है, यानी कस्टमर ऑर्डर दे सकता है, सप्लायर वहां से ऑर्डर रिसीव कर सकता है। ईआरपी सिस्टम हैव बीन वाइडली अडॉप्टेड इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर क्रिटिकल नॉलेज यूज्ड टू मेक डिसीजन एंड ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि बड़े बिजनेसेस को तेजी से फॉलो कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। अगर यहाँ पे चार ऑप्शन हो तो मैं किस ऑप्शन को हार्ट ऑफ एनी ईआरपी कह सकता हूँ, विच वन इज द हार्ट। हार्ट भी कह सकते हैं, ब्रेन भी कह सकते हैं, अगर ये चार ऑप्शन हैं आपके पास तो इसमें से मैं हार्ट ऑफ ईआरपी किसको कह सकता हूँ। तो मोस्टली बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया मेरे पास, एक्यूरेट आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, डी आंसर बनता है, डेटाबेस इसका हार्ट है, बिकॉज ईआरपी जो है वो सारे का सारा बेस ही डेटे पे करता है, इंफॉर्मेशन पे करता है, इसलिए डेटाबेस है इसका वो दिल है। अच्छा बच्चों, अच्छा तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन थ्री, व्हाट मस्ट अ सिस्टम डू टू क्वालिफाई एज ट्रू ईआरपी सॉल्यूशन। सिस्टम क्या करे कि वो ट्रू ईआरपी सिस्टम बन जाए। तो मुझे सादिया हबीब का जवाब ऑल ऑफ अबव आया है, अरूज का जवाब जो है ए है, मोहम्मद हसीब का जवाब भी ए है, और उसके साथ साथ जो है हमारे जो एक और नौनहार स्टूडेंट है हमजा इकबाल और हसाम, दोनों का जवाब जो है वो ए है। तो मैं इसके बाद जवाब भी दूंगा हाफिज साहब के सवाल का, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि बात यही है कि टू ईआरपी वो है जो फ्लेक्सिबल है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बी मॉड्यूलर होना चाहिए,
लेकिन क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए ताकि मजीद मॉड्यूल ऐड किए जा सके। तो क्लोज्ड की वजह से ऑप्शन गलत हो गई। एक्सटेंडेड विद इन द कंपनी नहीं होना चाहिए ना जी, कंपनी विद इन द कंपनी नहीं, बियॉन्ड द कंपनी होना चाहिए। यानी जाहिर बात है एक कंपनी के लिए तो नहीं होना चाहिए ना, बियॉन्ड द कंपनी एक्सटेंशन होनी चाहिए, फिर ये कामयाबी आती है। वरना एक कंपनी के लिए कामयाब हो गया बाकियों के लिए तो नहीं, फिर तो वो एक आप कह लीजिए कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन गया उसकी नीड के लिए, बाकी सबके यूज में आ ही नहीं सकता, कस्टमाइज हो गया एक। सवाल ये है आपके साथ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ ईआरपी एक्सक्लूसिव ग्रोथ। ईआरपी की एक्सक्लूसिव ग्रोथ की वजह क्या थी? जी बच्चों, मेरे पास जवाब आया है सैयद उसामा का, उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ बाकी बच्चों के जवाब का। हमजा का जवाब आया है, हसीब का जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब आया है। मोस्टली बच्चों ने आंसर मुझे डी दिया है और बड़ा खुश हुआ मैं, सही जवाब दिया है। ईआरपी इज अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू द मेस ऑफ इनकम्पैटिबल एप्लीकेशन। जो बहुत ज़्यादा इनकम्पैटिबल मेस था छोटी छोटी एप्लीकेशन का, जो कि खप पड़ी हुई थी, खच बजी हुई थी, उसको कम अज़ कम उसको इसने एक जगह ला के फिक्स कर दिया। ईआरपी ने एड्रेस किया नीड फॉर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग। इसने ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग को जो है एड्रेस किया है, और ये यूज़ होती है अवॉइड द पेन एंड एक्सपेंस ऑफ फिक्सिंग लेगेसी सिस्टम के, पिछले सिस्टम की जो लेगेसी है उसको बेयर करने के लिए जो बड़े बड़े खर्चे हैं उसको इसने ख़त्म कर दिया। इन तीन वजूहात की बिना पे इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है। एक ये कि इसने लॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर की बजाय एक बड़ा सॉफ्टवेयर सारा मसला हल करे। दूसरी बात यह है कि इसकी एक ग्लोबल शेयरिंग और आउटरीच थी जिसकी वजह से ये कामयाब रहा। और दूसरी बात ये कि पिछले सिस्टम की खराबियों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था, मुश्किल बेयर करनी पड़ती थी, उसको इसने ख़त्म किया, इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि आज के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का होगा, ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और आज शाम को बैठ के मैं इसकी तमाम स्लाइड्स अपडेट करके अपलोड करूँगा, ताकि अगला चैप्टर शुरू होने से पहले आपके पास कंप्लीट नोट्स हो जाएं। और इसके समराइज नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा, मैंने एक समराइज नोट्स भी इसके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये समराइज नोट्स में इसके अंदर पूरा चैप्टर जो है सिर्फ 5 से 10 पेज के अंदर मैंने सम अप किया है, ताकि पेपर देने जाएं जब आप तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो आई होप सो फार आज का लेक्चर आपके लिए सूदमंद रहा होगा, आपको समझ आया होगा। आप सबके फीडबैक की ज़रूरत होगी बिफोर डैट के मैं इसको वाइंड अप करूं। OPT फिर मैं आपको कल करा दूँगा, ठीक है, मैं कल इसके ऊपर बात कर लूँगा। अब यहाँ दो सवाल हैं, एक सवाल है हाफिज साहब का, गुड रहा, बहुत अच्छा, बात बच्चे कह रहे हैं क्लियर रहा, मोहम्मद सीफ जजाकल्ला कह रहे हैं बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। तो हाफिज साहब आपका जो सवाल था डेटाबेस और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, देखिए इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर मौजूद है और इंफॉर्मेशन ट्रीटेड पार्ट ऑफ डेटा होती है जो कि किसी डिसीजन लेने में आपको हेल्प करे, जबकि डेटाबेस वो जगह होती है या वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमने उसे रखा होता है। ठीक होगी बात, हाँ आज सारे नोट्स आपके अपडेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक सवाल और कहीं था मुझे ऊपर देखा शायद, एक मिनट में जरा देख लूँ कि सवाल कोई रह ना जाए। नहीं देखिए आसान आपका जो सवाल है कि विजुअल बेसिक नहीं, विजुअल बेसिक्स नहीं, बेसिस नहीं, विजुअल बेसिक है वो ईआरपी कतई नहीं है, वो तो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। यू कैन से डैट के इसके अंदर मैं कैपसॉफ्ट में काम करता था और मुझे मेरा ख्याल है मुझे सॉफ्टवेयर छोड़े हुए 15 साल हो गए सॉफ्टवेयर हाउस,
यानी 15 साल पहले मैं इस पे काम किया करता था, विजुअल बेसिक 6 का मैं प्रोग्रामर था। तो आज तो बहुत आगे हम निकल चुके हैं, तो इट्स अ वेरी बैकवर्ड थिंग्स यू कैन से, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, तो कल मैं ईआरपी को जो है वो चंद एक सवालात और भी करेंगे, और ये जो ओपीटी है ये मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, इसके ऊपर बात कल करेंगे इंशाल्लाह और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो कल इंशाल्लाह टीकम भी शुरू कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।